नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना विपिन और आप सबका स्वागत है हमारे अपने चैनल इन्फ्रेस क्लब में। आज हम बात करने वाले हैं फुटिंग के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो फुटिंग की जो गहराई होती है, यानी कि जो हमारी नींव की गहराई है, वो हम कितना लेते हैं, तो इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो आज हम इस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। उस वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कीजिए एंड पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम जो नींव की गहराई है वो हम कितनी लेते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो फुटिंग होती है हमारी, उसकी साइज हमें कितनी लेनी है। अगर एक मंजिला बिल्डिंग है या दो मंजिला इमारत है या फिर उससे ज्यादा मंजिल की इमारत है, तो उसके लिए हम जो फुटिंग की साइज लेंगे वो हम कितना लेंगे, तो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम इसमें ये भी जानेंगे कि हम उसमें जो सरिया यूज कर रहे हैं वो हमें कितने एमएम का लेना है अलग अलग मंजिलों के लिए। इसके अलावा हम इसमें ये भी जानेंगे कि हमें जो सरिया लेना है वो किस ग्रेड का लेना है। तो कुल मिला के आज हम फुटिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब डिस्कस करेंगे, यानी कि ये फुटिंग डिटेलिंग के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है। तो आप इसको पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको फुटिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो फुटिंग की जो साइज है वो हमारी कुछ चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे कि हमारा डेड लोड कितना आ रहा है, लाइव लोड कितना लग रहा है, उसके अलावा वहां की सॉइल बियरिंग कैपेसिटी कितनी है। लेकिन ये सब चीजें हम जो हमारी नॉर्मल रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं, तो वहां पर नॉर्मली ये सब चीजें नहीं देखी जाती हैं। तो उन सब के लिए हम एक थंब रूल लेके चलते हैं कि अगर हमारी इतने मंजिला बिल्डिंग है तो इसके लिए हम फुटिंग की साइज इतना रखेंगे। तो अब एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर हमारी सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, यानी कि सिर्फ हमें ग्राउंड फ्लोर बनाना है, तो उस केस में जो हम फुटिंग की जो साइज लेंगे वो हम लेते हैं 3 फीट से 4 फीट के बीच में। लेकिन जो मैं रिकमेंड करूंगा वो आप 3.5 फीट बाय 3.5 फीट लेके चलिए, यानी कि 1 मीटर बाय 1 मीटर आप फुटिंग की साइज तो लेके ही चलिए कम से कम। उससे कम पे मत जाइएगा किसी भी स्ट्रक्चर में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रीइंफोर्समेंट की, तो जैसा कि हम सब जानते हैं फुटिंग में हमारा डबल मैश डलता है और बोथ वेज में डलता है, और यहाँ पर हम जो मिनिमम डायो बार यूज में लेंगे वो हम 10 mm का लेते हैं, लेकिन एक सेफ साइड के लिए हम 12 mm का बार मान के चलते हैं। तो मिनिमम हमने कितने डायो बार लेना है वो हमने 12 mm का कंसिडर करना है, और उन दोनों बार्स के बीच में जो हमारी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रहेगी वो हमने कम से कम 6 इंच ही रखनी है, यानी कि 150 mm हमारी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होनी ही चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं G+1 स्टोरी बिल्डिंग के लिए, कि अगर हमारा जो घर है वो G+1 है, तो उसके लिए हम जो फुटिंग की साइज लेंगे वो हमें 3.5 फीट से 4.5 फीट के बीच में लेनी है। ठीक है, तो आप 4 फीट इसे मान के चलिए, तो यहां पर हम जो फुटिंग की साइज लेंगे वो 4.5 फीट बाय 4 फीट लेके चलेंगे। फुटिंग की साइज के बाद अगर इसमें हम स्टील डाया की बात करते हैं कि जो डाया ऑफ रीइंफोर्समेंट है वो हमने कितना लेना है, तो टॉप और बॉटम दोनों में जो स्टील का जो बार का डाया लेंगे वो हमें 12 mm लेना है, और 150 mm सेंटर टू सेंटर पर लेना है, यानी कि 6 इंची सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे हमने डालना है। G+1 स्टोरी के बाद हमारी नेक्स्ट आती है G+2 स्टोरी बिल्डिंग के लिए। तो G+2 मंजिला बिल्डिंग के लिए हम जो फुटिंग की साइज लेंगे वो हम मिनिमम 4 फीट से 5 फीट के बीच में लेते हैं। तो आप यहाँ पे 5 फीट बाय 5 फीट की फुटिंग साइज यहाँ पे ले सकते हैं, यानी कि 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर आप ले सकते हैं। और अगर मैं बात करूं रीइंफोर्समेंट की बोथ टॉप और बॉटम में, तो यहाँ पे आपको जो मिनिमम डायो बार लेना है वो आपने 12 mm का लेना है, एंड बार्स के बीच में जो आप सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रखेंगे वो आपको 6 इंच ही रखना है, यानी कि 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आपकी होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे G+3 स्टोरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में। तो G+3 के लिए हम जो फुटिंग की साइज रखते हैं वो हमें 5 फीट से 6 फीट रखनी है मिनिमम, और जो रिकमेंड करूंगा मैं वो आप 6 फीट बाय 6 फीट रखिए, यानी कि 2 मीटर बाय 2 मीटर की आप फुटिंग साइज लेके चलिए। एंड इसमें आप जो रीइंफोर्समेंट यूज में लेंगे टॉप और बॉटम मैश में बोथ वेस में, वो आपको मिनिमम जो डायो बार लेना है वो 12 mm होता है, ठीक है, और 6 इंची सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे लेना है। लेकिन यहां पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सेफर साइड के लिए 16 mm डायो ऑफ बार लेके चलिए और 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे आप डालिए उसको। अगर आप G+3 से भी ऊपर जा रहे हैं, यानी कि G+4 G+5 इस तरह से जा रहे हैं, तो आप वहां पे थंब रूल का यूज ना करके आप इसकी एक स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग कराइए, जिससे कि आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपकी बिल्डिंग के लोड के हिसाब से और सॉइल बियरिंग कैपेसिटी के हिसाब से आपकी फुटिंग की साइज क्या होनी चाहिए। लेकिन अगर आप फिर भी G+4 के लिए थंब रूल जाना चाहते हैं तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो अगर G+4 की अगर मैं बात करता हूँ, जो आप साइज ऑफ फुटिंग रखेंगे मिनिमम 7 से 8 फीट आपको रखना ही रखना है,
और जो मैं रिकमेंड करूंगा वो 7 फीट बाय 7 फीट आपको करूंगा, यानी कि 2 मीटर बाय 2 मीटर की आप फुटिंग लेके चलिए। एंड यहाँ पर आप जो रीइन्फोर्समेंट यूज में लेंगे बोथ टॉप एंड बॉटम मैश में, वो आपको जो मिनिमम टाई बार हमने यूज में लेना है वो 12 mm का लेना है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा 16 mm का। और 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आपने रखनी है, यानी कि 6 इंची सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे आपने रीइन्फोर्समेंट डालना है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ग्रेड ऑफ स्टील की, तो आपने फुटिंग में जो बार आप यूज में लेंगे उसके लिए जो ग्रेड ऑफ स्टील है वो Fe 500 से कम आपका नहीं होना चाहिए। एंड जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको यहाँ पे यूज में लेना है वो हमारा M20 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको जो रेशियो लेके चलना है सीमेंट सैंड और एग्रीट का वो आपको 1.5-3 का रेशियो लेके चलना है। इसके अलावा हमारा फुटिंग में तीसरा पॉइंट आता है कि इसमें आप जो कवर यूज में लेंगे, जो मिनिमम नॉर्मल कवर आपने लेना है वो आपने 40 mm लेके चलना है। एंड यहाँ पर आपको एक नोट पॉइंट याद रखना है कि ये जो आपको थंब रूल बताए गए हैं फुटिंग की साइज से रिलेटेड, ये आपको तभी अप्लाई करने हैं अगर आपकी वहां की जो सॉइल है वो एक अच्छी कंडीशन में है। अगर वहां पे चिकनी मिट्टी है या फिर लूज सॉइल है या दलदली मिट्टी है, तो उस केस में आपको उसकी स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग ही करानी चाहिए, उस समय आप थंब रूल के हिसाब से मत चलिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।